नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सात निश्चय योजना में जारी किए दिशा निर्देश। भागलपुर सुल्तानगंज में डीएम प्रणव कुमार पहुंचे। इस दौरान नमामि गंगे के तहत बन रहे सीवरेज प्लांट एवं मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं की जांच पड़ताल की गई। साथ ही पंचायत की वार्ड नंबर 3 में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं के तहत जल नल योजनाओं की जाँच करते हुए मुखिया कृति रश्मि से पूछताछ करते हुए योजनाओं की जानकारी ली गई। वहीं वार्ड के लोगों से पूछताछ करते हुए सरकार के द्वारा दिए गए लाभों के बारे में भी जानकारी ली गई। इस दौरान डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, उसकी जांच पड़ताल की गई, जिसमें नल जल योजनाओं में लोगों को पानी पीने के लिए निर्धारित समय सीमा तय कर लोगों को पानी दिया जाए। इसको लेकर विभाग के पदाधिकारी सहित मुखिया कृति रश्मि को भी निर्देश दिए गए। एनडीए के नेता जदयू नगर अध्यक्ष संजय मंडल व भाजपा क्षेत्रीय प्रभारी चौधरी ने संयुक्त रूप से 9 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही भाजपा के युवा नेता चंदन कुमार ने सब्जी बाजार में सब्जी दुकानदार कौन है, दुकानदार है तो सेंटर क्यों बंद है, दुकानदारों की लिस्ट सूचना अधिकार के तहत मांगी गई और नहीं आने पर इस ओर ध्यान देने की भी बात कही। इस दौरान जिले के अधिकारी डीडीसी सुनील कुमार, एडीएम राजेश झा, कार्यपालक अभियंता अशोक मेहता, डीटीओ फिरोज अख्तर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रखंड के पदाधिकारी सीओ शंभू शरण राय, बीडीओ नवल किशोर ठाकुर, एमओ लोकेश ठाकुर, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी संजय कुमार झा एवं तमाम प्रखंड कर्मचारी मौजूद थे। सीसीटीवी मिलेगा, अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रिवेंट आउट। और उनको कि सलग जो मेरा इसमें चला गया कितने में उसको बिल्कुल वो वहाँ पर मूव करके उसको कुछ करता सॉल्ड ना। क्या आपका घर है? देखिए आपका ये पानी वानी टपक रहा है, उसको बांध देना है ना थोड़ा। कहीं कहीं पानी टपकने की बात आ रही है। इधर इंदिरा आवास वाला है कभी जा था उसके बाद कितनी तीसरा 4 से 2 घंटा 3 टाइम चलता है, बीच में खराब भी होता है, खराब नहीं हुआ है, घर में भी लगा हुआ है। कितना नल लगाया घर में? 1 लगा क्या होता में? हाँ छत नहीं हुआ है, छत हो गया आपका? पैसा खत्म हो गया कि बचा है? दूसरा किस्त मिलना है? पैसा दूसरा किस्त मिल गया कि मिलना है? 2 बार पैसा मिलता है? 3 बार सर। 1 बार मिल गया कि 2 बार मिल गया? वो बताया है इसी तरह खाद्यान्न वितरण के बारे में पूछताछ की तो लोगों ने संतुष्ट किया कि उन्हें निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है। पेयजल योजना की जांच की गई, पेयजल योजना में भी योजना संतोषप्रद है और लोग करीब 1.5 साल से इसका बढ़िया से उपयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं पानी लीकेज की सुविधा दिया जिसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है और पानी चलाने का निर्धारित समय ऑन केयर टेकर रहेगा, शिकायत पुस्तिका भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। और राशि वसूली का? वसूली नहीं है, योगदान राशि धीरे धीरे उसको लागू कराने का निर्देश दिया। मैं भाजीमा नगर अध्यक्ष सुल्तानगंज से हूँ। अभी मैंने डीएम साहब से मुलाकात किया,
और उनसे एक आग्रह किया। मैंने 2018 में एक RTI किया था, सुल्तानगंज थाना रोड में स्थित जो हटिया है उसके लिए। मैंने ये पूछा था कि हटिया में सब्जी दुकान के लिए कौन सी जगह आवंटित है और आपने जिसको दुकान दिया है वो कितने साल के लिए दिया है। तो RTI में जवाब तो मिल गया, 7 साल के दिया है, लेकिन सब्जी वाले के लिए कोई जगह आवंटित नहीं है। तो हमने DM साहब से ये पूछा, सर मैंने बचपन से देखा है कि वहाँ सब्जी वाले ही सब्जी बेचते थे, मनिहारी की दुकान बहुत कम थी, लेकिन आज के डेट में मैंने ये देखा है कि वहाँ मनिहारी की दुकान ही है और सब दुकान में शटर लगा हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा जगह है जो हटिया में शटर लगता है और परमानेंट दुकान हो जाती है, वो क्या परमानेंट आवंटित होता है वो? इसको क्या मुझे लगता है कि वो टेम्पोररी आवंटित होता है, 7 साल के लिए अगर होता है तो 7 साल के बाद हर 7 साल पे नए दुकानदारों को मिलना चाहिए दुकान, अगर डाक होता है तो। अदरवाइज शटर लगने का तो कोई प्रावधान है ही नहीं, अगर शटर लगा है तो इसका मुझे DM साहब से मतलब कि आश्वासन मिला है कि मैं पता करके मैं बताऊंगा आपको कि शटर कैसे लगा और क्यों लगा, और सब्जी वाले के लिए जगह आवंटित है या नहीं मैं ये भी आपको बताऊंगा। नाम सर क्या बताएं? मेरा नाम चंदन कुमार है, भाजपा नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा। माननीय भागलपुर जिलाधिकारी आज हमारे बीच सुल्तानगंज प्रखंड कार्यालय में उपस्थित थे और हम लोगों ने NDA के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से उनसे मुलाकात की और शहर के 9 सूत्री मांग के अलावा एक विद्युत सवदा गृह के लिए भी मांग किया है, क्योंकि गंगा में जो यत्र तत्र जो शवों का दहन किया जाता है उससे काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है, इसके ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से उनसे आग्रह किया गया। और बिंदुवार जिन वार्डों में नल जल योजना के तहत जल का समुचित रूप से व्यवस्था नहीं हो पाया है वहाँ पर जल की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने विशेष रूप से आग्रह किया। 15, 16, 17 वार्ड में जो जल निकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है उसको दूर करने का भी आग्रह माननीय जिलाधिकारी महोदय से किया और उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया कि यह कार्य जो है बहुत तेजी से और तीव्र गति से इसका निष्पादन कर दिया जाएगा। और प्रखंड कार्यालय में सांख्यिकी विभाग की तरफ से जो मृत्यु प्रमाण पत्र में सीधे रूप से घुसखोरी कहा जाए उसको, तो यह शब्द हम मुझे उपयुक्त लगता है, सीधे रूप से मृतक के आश्रितों से मृतक प्रमाण पत्र के बारे में सीधे पैसे की डिमांड की जाती है और पैसा नहीं उपलब्ध रहने पर 6-6 महीना उसको लटकाया जाता है। इनका भी हमने विशेष रूप से माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया और उन्होंने तुरंत निष्पादन करने का आश्वासन दिया। संजय कुमार चौधरी, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय प्रभारी, भागलपुर।